ये कोई सीक्रेट अंडरग्राउंड जाने का रास्ता तो नहीं है, क्योंकि ये लग ऐसी रहा यार, ये मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि ट्रक ट्रॉली के ऊपर सुपर जंप लगाओगे तो कैरेक्टर को डैमेज नहीं पड़ेगा। तो गाइस मैंने बुला लिया है एक ट्रक ट्रॉली, 01212 है इसकी चीट कोड। चलते हैं इसकी ट्रॉली के ऊपर और इसके ऊपर हमें लगानी है सुपर जंप, जिसका चीट कोड है 1215। तो हेल्थ बार पे मेरे ध्यान देना बिल्कुल ही। ये हम लोग कूदे हवा में गाइस और काफी ऊपर से ये गिरे और जरा सी भी हेल्थ नहीं गई है, बिल्कुल 1% भी। तो ये तो यार मैजिक ही हो सकता है, क्योंकि आप कैसे भी गिरोगे ना तो हेल्थ तो जाती है। अब मैं अल्ट्रा सुपर जंप लगाने वाला हूँ। सुपर जंप तो हमने लगा दी, अब अल्ट्रा सुपर जंप की बारी है। और इसमें जब आप गिरते हो ना तो भाई आप बच ही नहीं सकते हो। लेकिन हम इस पे जब गिरते हैं ट्रॉली पे तो यार 1% भी हेल्थ नहीं जाती गाइस। तो ये तो यार एक मैजिक ही है यार। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा स्काई फॉल गाइस, उसमें अगर बच गया ना तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन ये भी हो सकता है भाई कि ट्रक ट्रॉली वहां से हट जाए, तो ये भी मुझे देखना है। शायद से ट्रक ट्रॉली लेकिन हट चुकी है, डिस्पॉन ही हो गई, तो फिर तो मतलब ही नहीं बना। लेकिन ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर मिनी जेट पैक कुछ स्विमिंग पूल में स्पॉन करेंगे तो मिनी जेट पैक पानी में तैरेगा, लेकिन बिग जेट पैक जो है वो पानी में डूब जाएगा। तो बुलाते हैं भाई पहले मिनी जेट पैक को 330 से, और जैसे ही मैं इसको बुलाता हूँ गाइस ये सच में पानी के ऊपर आता है। और जब मैं बिग जेट पैक को बुलाऊंगा 320 से तो वो ये पानी में डूब जाता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई मिनी जेट पैक को आप ज़मीन पे भी बुलाओगे ना तो भी वो हवा में ही तैरता है, इसलिए मुझे लग रहा है ये हवा में ही तैर रहा है, कोई पानी के ऊपर नहीं तैर रहा है। और इसको प्रूव करने के लिए मैं इसको ज़मीन के ऊपर स्पॉन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हवा में ही स्पॉन होता है गाइस, वहीं उड़ता है और जेट पैक जो है वो खड़ा हो जाता है ज़मीन के ऊपर। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ दिया है दिव्यांश अग्रवाल ने, और इनका मिथ ये है कि एक मूविंग कंटेनर जो है उसके ऊपर अगर हम स्काईफॉल लगाते हैं तो देखो मैजिक। और अगर आपको भी अपने ही ऐसे मिथ सबमिट करने हैं भाई तो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे आप फॉर्म पे अपलोड कर सकते हो अपनी वीडियो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इस मूविंग कंटेनर के नीचे, यहाँ पे इनफिनाइट हेल्थ लगा के मैं लगाने वाला हूँ इसके ऊपर स्काई फॉल। तो जब आप इसके ऊपर गिरोगे ना तो देखते हैं वैसे क्या होता है। ये गिरे हम लोग और भाई क्या हुआ, ये बाउंस हो गया यार। ये टिप्पा कैसे खा गया, ऐसे तो कभी खाता नहीं है, बहुत ही खतरनाक वाला। वो भी एक और ट्रायल लिया है यहाँ पर मैंने, इस बार देखते हैं। ये गिरा मैं और इस बार तो और भी ऊंचा टिप्पा खाया यार, मजा आ गया। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि मून ग्रेविटी लगाकर स्मॉल जेट पैक के ऊपर बैठेंगे तो होगा मैजिक। तो स्मॉल जेट पैक बुला लिया मैंने 330 से और मून ग्रेविटी लगा दी है 7112 से। बैठ गया हूँ मैं इसके ऊपर और देखते हैं क्या मैजिक होता है। वैसे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, मुझे इसके लिए इसको चलाना पड़ेगा लगता है। हल्का सा उड़ाता हूँ मैं इसको और अब छोड़ देता हूँ, और अब ये अपने आप ऊपर जा रहा है, मैंने कुछ नहीं दबाया। देखो मैं ब्रेक भी दबा रहा हूँ ना तो भी ये रुक नहीं रही यार। अब मतलब एक बार इसको आपने उड़ा दी फिर ये ऊपर ही जाते जाएगी गाइस, फिर आप इसको रोक नहीं सकते। ये देखो ये खुद ही उड़ रही है, मैं तो इसको उड़ा नहीं रहा हूँ है ना, ये खुद ही जा रही है भाई बिल्कुल ही। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई बटन नहीं दबा रहा हूँ, और अब तो ये नीचे भी नहीं उतर रही यार। कितना भी ब्रेक दबा दो ये नीचे जा ही नहीं रही है। तो गाइस मतलब ये है इसका मैजिक कि अब ये खुद ही उड़ेगी। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप ट्रक ट्रेलर पे और फॉर्च्यूनर पे एक साथ बैठोगे फिर देखो मैजिक। तो ट्रक ट्रेलर की चीट कोड है 01212 और फॉर्च्यूनर की है 1000। दोनों के बीच में आना है और दोनों में साथ में बैठना है, और फिर हमारा बंदा जो है वो फॉर्च्यूनर के आगे बैठ जाता है भाई, और बिल्कुल अलग बैठा है। मतलब जैसे आप थार और ट्रेन के साथ करोगे ना तो थोड़ा और आगे हो जाता है, लेकिन इसमें तो कुछ अलग ही बैठा है यार, बहुत खतरनाक स्वैग से बैठा है बंदा, बिल्कुल स्टाइल यार। और ऐसे ही अगर हम चलाते रहे ना तो मुझे एक सेकंड भाई मेरा कैमरा जो है वो हिल नहीं रहा है, मेरा कैमरा एक ही जगह टक चुका है गाइस, हिल नहीं रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है यार, ये व्यू देखो अब लग रहा है ना स्टाइल। मतलब आगे बैठ के भाई ये स्टीयरिंग को पीछे हाथ रख के बिना देखे घुमा रहा है गाइस, तो इससे तो भाई बिल्कुल स्टंट मैन बन जाना चाहिए, इतना खतरनाक स्टंट मार रहा है इधर। कितना सही लग रहा है यार, लेकिन देखने में सच्ची में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम NPC की कार पर हेलमेट गिरा दे तो उसका कांच टूट जाता है। तो पहले रोकता हूँ मैं NPC की कार को अपनी बाइक से, ठीक है, और बाइक पे ही बैठे रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि यार हेलमेट चाहिए तो बाइक से ही निकलेगा। तो बाइक को थोड़ी देर रोक रखना पड़ेगा एक ही जगह पे,
फिर ये अपना हेलमेट निकाल देगा। बस ये कार वाला हिले नहीं, ठीक है हेलमेट तो निकाल दिया इसने, उतरता हूँ मैं जल्दी से, बस हेलमेट मुझे इसकी कांच पे करेक्ट गिराना है। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो करेक्टर के हाथ में, मैं तो ऊपर चढ़ गया हूँ इसकी गाड़ी के, देखते क्या होता है। ये निकाला हेलमेट, फेंका इसने और पूरे कांच को तोड़ ही दिया। यार बेचारे का कांच ही चला गया पूरा का पूरा, और हेलमेट लुढ़कता हुआ जा रहा है कहीं तो। अच्छा इसकी कार के अंदर ही गिरने वाला है लग रहा है गाइस। ओहो गिरा 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 और गिर ही गया। एक काम करें इसकी गाड़ी के अंदर जाके देखते हैं। अरे नहीं यार हेलमेट तो भारी चला गया। चलो कोई नहीं, ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि गाड़ी के पार जाने वाला मिथ लगाओ फिर पुलिस को बुलाओ फिर देखो मैजिक। तो इसके लिए पहले आपको एक गाड़ी जमीन पे गिरानी पड़ेगी और इस पे बैठ के स्काईफॉल लगाना पड़ेगा साथ में, और जब आप गिरोगे तो आप फिर गाड़ियों के आर पार जाने लगोगे, फिर हमें पुलिस को बुलाना है। मुझे लग रहा है हम ये देखना चाह रहे हैं इस मिथ में कि अगर पुलिस हमें गोली मारती है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम लोग आर पार जा सकते हैं गाड़ियों के, तो क्या गोली हमारे आर पार जाएगी। तो ये देखो सामने से जो गाड़ी आ रही है पुलिस की, ये भाई कुछ नहीं कर सकता है यार मेरा बिल्कुल ऐसे। ये देखो दूसरा वाला भी, इनको तो मैं भूत लग रहा हूँगा सच में गाइस। देखो ऐसे आर पार जा रहे ये लोग, क्या ही कर लेंगे मेरा। लेकिन जब तक ये गाड़ी में तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार ये गाड़ी से उतर गए ना फिर मुझे भी नहीं मालूम यार इनकी गोली मुझे लगेगी कि नहीं। देख लेते भाई बाहर आ गया है। अच्छा इसको मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या, ये तो इग्नोर करके चला गया, ये भी इग्नोर करके चला गया। यार एक और आया पुलिस वाला, इसको भी देख ही लेते। ये नहीं 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 इसको दिख रहा हूँ मैं, और ये मुझे मार भी रहा है और मेरी हेल्थ भी जा रही है भाई। मतलब यार इसकी गोलियां मुझे लग रही है तो फिर तो यार इसका कुछ मतलब हुआ नहीं। लेकिन जब मैं इसकी गाड़ी के अंदर छुप जाता हूँ ना फिर ये मुझे नहीं मार पाएगा क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर हूँ गाइस। लेकिन जैसे ही मैं वापस बाहर आ जाऊँगा ये मुझे शायद से वापस मारने लगेगा, ये देखो ऐसे। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो हमारा न्यू फायर ट्रक आया था ना इसमें मैंने एक कमरा देखा था यार पहले, ये दिखाऊँ मैं आपको गाइस। ये कमरा देखना है, ये कमरा जो है ना ये फायर फाइटर्स के लिए बनाया गया है। तो इसमें ना जो टीम रहती है फायर फाइटर्स की ना वो बैठते हैं, तो मेरे को बस यही दिखाना था आपको। इसमें अभी लेकिन फायर फाइटर्स है नहीं, लेकिन पुलिस जो है वो हमें मार पा रही है इसलिए ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ यह है देवार्ज रूपा भिंदा ने, और इनका मिथ ये है कि भाई एयरपोर्ट की सेकेंड फुटपाथ में जहाँ पर NPC होते हैं वहाँ पर होल वाली 2 मेटल प्लेट्स है। तो निकाल ली है मैंने बाइक गाइस, चलते हैं और देखते हैं एयरपोर्ट के सेकेंड फुटपाथ पे, मतलब एयरपोर्ट के ईस्ट साइड वाले फुटपाथ पे हो सकता है। अच्छा मिल गया, हाँ ये रहा, इनकी वीडियो में भी था यहीं पे, यही है गाइस वो। भाई ये जो है ना ये पता नहीं क्या यार, ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ये कोई सीक्रेट अंडरग्राउंड जाने का रास्ता तो नहीं है, क्योंकि लग ऐसी रहा यार ये मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया गाइस। स्नाइपर से हम देखना तो देखो इसमें होल भी हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता हो सकता है जो कि अभी खुला तो नहीं है। और ये इस साइड भी है गाइस, तो भाई ये तो पक्का हो गया कि ये है ना गटर का रास्ता है जो नीचे जाता है अंडरग्राउंड, ये पक्की बात है। और ये मुझे लग रहा है और भी होंगे यहाँ पे जो हमने ना देखे नहीं है, यहाँ पे ये गेट के सामने भी कहीं है शायद से, ऐसा वीडियो में देखा था यार मैंने। कहाँ गई ओके ये रही गाइस, ये देखो यहाँ पे भी है एक ऐसी मेटल प्लेट और उस साइड भी है सेम, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और गाइस अपने अपने मिथ्स कमेंट कर देना ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, उसे दबा के देख लो।